हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से यूट्यूब थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे पिक्सल लैब, क्योंकि दोस्तों मैं पिक्सल लैब से आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है दोस्तों, सबसे ऊपर जो आया है यहाँ पे, ये पिक्चर एडिटर, ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए दोस्तों ओपन करने का ऑप्शन दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसे ओपन करते हैं। आप में अगर इंस्टॉल नहीं तो आप पहले इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने स्क्रीन पे, और ये एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, इसे हम ओपन करते हैं दोस्तों। इसे ओपन करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसे आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से बैकग्राउंड दिखा रहा है। तो इसे आप पहले यहाँ पे डिलीट बना, इस पे डिलीट पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद दोस्तों आप ये बैकग्राउंड अपने हिसाब से कैसे भी बैकग्राउंड बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसा बैकग्राउंड चाहिए यहाँ ओके करेंगे, ये बैकग्राउंड लग जाएगा दोस्तों। आप ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो ये लग जाएगा, जैसा बैकग्राउंड चाहिए दोस्तों, ये बहुत सारे बैकग्राउंड है, इसके आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप ये वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आ गए बैकग्राउंड लगाने के लिए। यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे कलर आ गए, आप कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सही पे टिक करेंगे, ये बैकग्राउंड लग जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कलर पे फिर से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे कलर के ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आप रैंडमली कोई भी कलर लगा सकते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे सही के निशान पर टिक करेंगे, ये कलर यहाँ पर लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी बैकग्राउंड में बढ़िया सा कलर या इमेज लगा सकते हैं। अगर यदि आप अपने गैलरी से या अपने कैमरे से लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है फ्रॉम गैलरी का, फ्रॉम कैमरा का, यहाँ से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ही मैं रखता हूँ, यहाँ पे ओके करेंगे, ये लग जाएगा दोस्तों। इसे हम डिलीट कर देंगे, ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा है दोस्तों इसे हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट हो गया। अब दोस्तों हमको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मुझे जाना है अभी इमेज साइज, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, इसके बाद यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे दोस्तों। ये यूट्यूब थंबनेल का साइज आ गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप इसमें अपने गैलरी से कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, तो ये देख सकते हैं दोस्तों मुझे ये वाला इमेज चाहिए। मैं इस पर क्लिक किया, ये वाला इमेज आ गया। आप भी इस तरह से कोई भी इमेज लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा सेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सर्किल पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप जैसा भी चाहें उस तरह सेट करके आप सही के निशान पे क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ए पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये आ गया। इस तरह से आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों आपको जो भी लिखना है, इसे डिलीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप, जैसे मैं लिखता हूँ मटर पनीर। इस तरह दोस्तों आप जो भी चाहें वो चीज़ लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम ओके करेंगे दोस्तों। ओके करने के बाद में ये देख सकते हैं दोस्तों ये आ गए। आप इसे इस तरह घुसका के कहीं भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करेंगे, ये साइज़ इसका बड़ा छोटा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, इतना बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा, इतना। इसे सही के निशान पर टिक करेंगे दोस्तों, अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कलर है, जो कलर आपको चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, वो कलर यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सही के निशान पर टिक करेंगे दोस्तों, ये कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप इसको और भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसको और अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। यहाँ बी पे क्लिक करेंगे, ये बोल्ड करेंगे, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन, यहाँ पे सही पे निशान पर टिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। इसमें आप बैकग्राउंड अलग से देना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनेबल करेंगे दोस्तों, तो
तो कोई बैकग्राउंड यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, जैसा बैकग्राउंड आपको चाहिए उस तरह का दोस्तों आप चूज कर सकते हैं। कोई बैकग्राउंड यहाँ सही के निशान पे क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो हम यहाँ यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, अनडू हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके अलावा दोस्तों आप इस यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप इसको कर्व में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये दोस्तों इस तरह से घूम जाएगा। आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं दोस्तों, या सही के निशान पर टिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप ये सब एप्लीकेशन और अपने तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों शैडो का भी ऑप्शन है, इनर शैडो, आउटर शैडो, कैसे भी शैडो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं शैडो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ इनेबल करेंगे तो जिस तरह का शैडो चाहिए उस तरह का लग जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो चाहिए आपको उस तरह से लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं सही पे टिक करता हूँ, ये अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप एक अच्छा यूट्यूब थंबनेल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बनाने के बाद दोस्तों आप इसको सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज, आप कैसे भी सेव कर सकते हैं। तो मैं सेव एज इमेज करता हूँ। सेव एज इमेज पे करने के बाद फिर यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये इमेज हमारी गैलरी में अब सेव हो चुका है दोस्तों। अब इसे आप अपने यूट्यूब की वीडियो में कस्टम थंबनेल के ऑप्शन पे जाके आप अपना ये थंबनेल लगा सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।